तो आज हम देखेंगे प्रीमियम प्रो के अंदर आप कैसे किसी भी वीडियो को स्टॉप मोशन वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी वीडियो में आप फेक स्टॉप मोशन इफेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रीमियम प्रो ओपन कर लेना है और अपने मीडिया फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। उसके आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है एक न्यू सीक्वेंस के लिए। सेटिंग में जाना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम सीक्वेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। बस अपने फ्रेम रेट जो रखना है वो अपने अराउंड 24 या 25 रखना है अपने। यहाँ पर हम कस्टम पर जाएंगे और फ्रेम रेट को चेंज कर देंगे 24। फ्रेम साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लाइक 920x1080 वगैरह। उसके बाद आपने क्या अपनी वीडियो को टाइमलाइन के ऊपर लेके आना है। उसके अपने इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है पोस्टराइज टाइम, POST। तो यहाँ पर टाइम के अंदर मिल जाएगा पोस्टराइज टाइम का इफेक्ट। सिंपली उसे ड्रैग करना है और अपनी वीडियो के ऊपर रख देना है। उसका इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आना है और यहाँ से आपने इसको पोस्टराइज टाइम में जो फ्रेम रेट है उसको अपने रखना है 5 फ्रेम या 4 फ्रेम। मैं यहाँ पर 4 फ्रेम रख रहा हूँ, आप 5 या 4 या 2 फ्रेम रख सकते हैं। बस इतना करते आपका जो स्टॉप मोशन होती आ रहा है। उसके बाद आपने कुछ ओवरलेज ऐड करने हैं। इस पर आप YouTube पर सर्च करेंगे VHS ओवरलेज तो आपको बहुत सारी ब्लैक स्क्रीन वीडियोस मिल जाएंगी। सिंपली आपने उन्हीं को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। लाइक मैं एक ओवरले कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, इस ओवरले को उठाना है और अपनी इस वीडियो के ऊपर रख देना है। आपका साइज जो है एकदम छोटा है, आपने क्या करना है, ओवरले वाली वीडियो पर राइट क्लिक करना है और थोड़ा ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पर लिखा होगा सेट टू स्केल टू फ्रेम साइज, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा ऊपर जाना है और स्केल से आपने इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना ताकि आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख जाए। उसका सिंपली ब्लेंडिंग मोड में आपने इसको स्क्रीन कर देना है। तो इस तरह आपने 2-3 ओवरलेज ऐड करना है और आपका जो वीडियो है वो आपका तैयार है। और सिंपली आप यहाँ से फाइल से आपसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से पहले आप प्रीव्यू को रेंडर जरूर कर लें।